क्या पीछे पीछे कितना जनाजा जाएगा ये नहीं खबर है, रोड के पीछे पीछे कितना जनाजा जाएगा। लेकिन इस बार बताया ये जा रहा है कि यहाँ से रोड जाना निश्चित है। उसकी वजह ये है कि यहाँ के बड़े नेता शहर के और बिल्डर, उनकी मिली भगत है, उनका आर्थिक व्यवहार है, आपसी बहुत बड़ा लाभ है, इसलिए वो अब ये रोड को निकालवाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। इनको थोड़े मकान उसको गवर्नमेंट बना के दे। गरीब मजदूर है, अगर घर से बेघर हो जाएंगे तो ये आत्महत्या कर लेंगे। एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी में आपका सभी का स्वागत है। जैसा कि भिवंडी शहर में डीपी प्लान को लेकर कई सारी जगह जो है विरोध जताया जा रहा है, उसी को लेकर आज हम भिवंडी शहर का जो जहां जहां से डीपी प्लान का जो रोड जाने वाला है वहां पे हम सर्वे करने के लिए निकले हैं। तो आज हमारा जो पहला सर्वे है भिवंडी शहर के जो सिराजुल उलूम से जो रास्ता जाता है मिराजुन नबी मस्जिद के पास, मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये एक घनी आबादी वाला झोपड़पट्टी एरिया है जहाँ पर सैकड़ों तादाद में जो रेसिडेंशियल है और आजू बाजू के जो लोग हैं जो कि तकरीबन कई सालों से यहाँ पर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। तो हम उनसे ही जानना चाहेंगे कि आखिर डेवलपमेंट प्लान में अगर लोगों का घर जा रहा है और यहाँ लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँच रही है तो उसमें क्या डेवलपमेंट के लिए ये सही है। आइए हम लोगों के राय जानना चाहेंगे कि क्या डेवलपमेंट के लिए वो तैयार है इस डेवलपमेंट के लिए चलते। भाई क्या कहेंगे आप यहाँ पर, हमने देखा है कि यहाँ पर एक बड़ा सी रोड जो है डीपी प्लान में आया है, तो क्या इसके लिए आप तैयार हैं? देखिए अभी तकरीबन मेरी उम्र 41 साल हो गई है और मैंने बचपन से सुना है कि यहाँ से रोड जाएगा और ये रोड तकरीबन 20 साल पहले 40 फीट था, उसके बाद ये 60 फीट कर दिया गया और रोड गया नहीं, सिर्फ पेपर पर रोड था मगर गया नहीं। आज ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये रोड 80 फीट कर दिया गया है और 80 फीट रोड होने की वजह से यहाँ लोग बहुत दहशत में हैं, खौफ का माहौल है, हमारी इबादतगाह खतरे में है, हमारे दुकान मकान सब खतरे में है, हमारा मुस्तकबिल खतरे में है। हम आपके चैनल के माध्यम से कमिश्नर को और इंतज़ामिया को ये चीज़ ये सूचना देना चाहते हैं कि कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए कि जो लोग बेघर और बेरोज़गार ना हो। तो ये बताएंगे भाई कि आप पिछले 41 साल से, जब आपने बताया कि 41 साल से यहाँ है, तो भिवंडी शहर के महानगर पालिका को 41 साल से आप क्या टाइम टू टाइम पे घर पट्टी प्रॉपर्टी टैक्स और जो भी दिगर है वो आपने पे किया? जी बिल्कुल, हर तरह का टैक्स जो महानगर पालिका ने हमारे ऊपर लादा, नल पट्टी, घर पट्टी, यहाँ तक कि कचड़ा पट्टी, संडास पट्टी, हर टैक्स हमने अदा किया। हमारे पास MAC बोर्ड के मीटर से लेकर टोरेंट पावर के सारे मीटर्स हैं, कोई चीज़ में हमने कोई टैक्स में कोई चीज़ में कमी नहीं की है। उसके इवेंट्स में क्या कभी महानगर पालिका के जो सहूलतें रहती, जो बेसिक सहूलत है जैसे कि सफाई हो गया, एजुकेशन हो गया, रास्ते हो गए, ऐसा कुछ आपको मिला देखने को कि आपको डेवलपमेंट के नाम पे, जब क्योंकि पिछले साल 20 साल पहले भी डेवलप आया था, उसके बाद में क्या उस डेवलपमेंट के बाद में कुछ ऐसा लगा? नहीं, सड़क का जहाँ डेवलपमेंट का मामला है, सड़क के मामले में कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आए। नाली गटर के मामले में स्थानीय कारपोरेटर ने अपना काम किया है मगर सड़क के मामले में आज तक नहीं हुआ काम। तो इस डेवलपमेंट प्लान के समर्थन कर सकते हैं या फिर आप इसके विरोध करेंगे? नहीं, जहाँ तक मामला हमारे हम बेरोज़गारी का है और हमारे बेघर होने का है तो हम ऐसे डेवलपमेंट प्लान का विरोध करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आइए और भी लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे जानना चाहेंगे, यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं बुज़ुर्ग हैं वो भी हम उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे आप यहाँ पे पिछले कितने साल से रहते हैं? 35 साल से। तो अगर आपका अगर घर है, आपके अगर दुकानें हैं, अगर डेवलपमेंट के इसमें आपकी चली जाती है तो फिर आपका आगे का गुजर बसर किस तरीके से होगा? डेवलपमेंट नहीं चाहिए जिससे लाखों लोगों का नुकसान हो जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो और वहाँ पे आप जो है डेवलपमेंट करिए, अब बस्ती उजाड़ के डेवलपमेंट करोगे तो कितने लोगों का, गरीबों का नुकसान होगा, उसकी भरपाई कौन करेगा? कारपोरेशन अगर करती हो तो फिर उससे बात करें फिर। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और भी लोगों से हम जानना चाहेंगे यहाँ पर है, चलिए हम अंदर चलते, चलिए हम यहाँ पर दुकानदार से बात करते, आ सकता होगा भाई? भाई हमने सुना यहाँ पर जो है डीपी प्लान जाने वाला है, बड़ा सी रोड जाने वाला है जिसमें शायद आपकी भी दुकान है, तो जी सर आप क्या कहना चाहेंगे इसके? आप सपोर्ट करते हैं या विरोध करते हैं? विरोध करते हैं सर। हम आज 40 साल से हम यहाँ पे धंधा रोजी रोटी हमारी हम कमा खा रहे हैं, अभी आप पूरा का पूरा रोड में हमारी जगह चले जाएगी तो हम तो रोड पे आ जाएंगे सर। जी बिल्कुल। हाँ, और ऐसा लोगों को बेघर करके कोई डेवलप करके कोई बड़ा काम थोड़ी करे दिए कोई। नहीं तो मैं ये सुनना चाहूँगा आपसे, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट प्लान में लोगों के लोग आड़े आते हैं, उनका विरोध करते हैं, डेवलप होना चाहिए, तो क्या आप ये चाहते हैं कि लोगों का घर और दुकानें उजाड़ के डेवलपमेंट प्लान? नहीं सर, हम नहीं चाहते, हमको ऐसा हमको डेवलप नहीं चाहिए ऐसा। जहाँ है ज़रूरत वहाँ करिए, यहाँ पर तो सब गरीब मजदूर है, अगर घर से बेघर हो जाएंगे तो ये आत्महत्या कर लेंगे ये। हाँ
सकते सर, ये हम लोग की दुकान पूरी चले जाएगी, हम लोग तो फिर रोड पे आ जाएंगे सर, हमारे पास कुछ है ही नहीं जरिया, यही एक जरिया है हमारा। अगर कॉर्पोरेशन आपको दुकान के जरिए अगर कहीं और दुकान देता है तो वो आपको मंजूर है क्या? नहीं सर, हमको नहीं मंजूर है, हमको हमारे ही है ना। हाँ सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए इसी तरह से और भी जो यहाँ के जो अभी रहवासी है, रेसिडेंशियल है, वो अभी काफ़ी सारे तादाद में हमारा इंतज़ार करें, हम उनसे भी बात करें। सर अजीत का भी लेना ही पड़ेगा। इस जगह से जहाँ आपका घर है वहाँ से सरकार जो कॉर्पोरेशन है रोड लेके जाने वाली है, तो क्या आप इसके लिए राजी हैं? नहीं, नहीं राजी, हम लोग नहीं राजी हैं, रोड के लिए नहीं राजी है, रोड नहीं, हम लोग नहीं राजी हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे लेके जाएंगे? हम लोग 50 साल से ज्यादा हो गए हम लोग को, घर पट्टी नल पट्टी साफ पट्टी। क्या आप इसको विरोध करेंगे या फिर आप इसको समर्थन करेंगे कि आपके घर टूटने से शहर का डेवलपमेंट होगा, तो ये चीज सही है? नहीं सही है, नहीं सर, गलत है, गलत है। हम लोग नहीं जाने देंगे वो रोड, हम लोग को जाने नहीं देंगे रोड, कैसे जाएंगे हम लोग? जाएंगे, हम लोग रोड जाएंगे, पीछे पीछे कितना जनाजा जाएगा या नहीं खबर है? रोड के पीछे पीछे कितना जनाजा जाएगा ये खबर है? तो यही जा रही है कि यहाँ से रोड निकले, रोड निकलना नहीं चाहिए इधर से, इधर से नहीं निकलना। तो इसके लिए जो है कॉर्पोरेशन ने एक तारीख दी है 11 नवंबर तक का, उसमें अगर आप अपना कंप्लेंट, आप अगर इसका विरोध करती है तो आपको एक कंप्लेंट फॉर्म वहां पे जमा करना है। अगर क्या आपने वो जमा किया है? अगर आपने नहीं जमा किया तो भी बता दीजिए। नहीं, हम तो यसलम भाई के पास कागज जमा है। अच्छा, आपने जमा किया। तो क्या क्या कहेंगे आपके, आपके रोड जाने के लिए आप सहमत है? नहीं, सहमत नहीं है हम तो। आप कितने साल से रहते हैं आप यहाँ? हम लोग तो भैया बहुत दिन, बहुत साल से, बहुत दिन। हाँ, ये होता घर है। ये रोड पे जाने वाला सरकार इसको तोड़ने वाली है, तो क्या आप ये सही मानते हो? नहीं, अगर आपका रोड, अगर तो आपका जो घर टूट जाएगा तो इसके लिए आप सरकार को क्या बोलेंगे? उतना तोड़ना चाहिए या नहीं? नहीं नहीं तोड़ेगा, हम लोग कहाँ जाओ, थोड़ी बुढ़ाई आ गई है, हम लोग कहाँ जाओ टूट जाए तो बताओ। सरकार को आप क्या बोलेंगे? यह बोलो कि रोड जाए तो हम लोग कहाँ जाओ। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए और भी लोगों से बात करते। तो ये हम 37 साल से रोड की लड़ाई लड़े जी। 15 साल से यहाँ से, जब से नगर सेवक अहमद हुसैन सिद्दीकी साहब हुए, वो रोड को बचा के रखे। नहीं तो पहले हम लोग स्टे लगाए थे, कोर्ट में केस लड़े और बहुत धरना आंदोलन किए, जब जाके ये रोड बची थी। लेकिन इस बार बताया ये जा रहा है कि यहाँ से रोड जाना निश्चित है। उसकी वजह यह है कि यहाँ के बड़े नेता शहर के और बिल्डर, उनकी मिली भगत है, उनका आर्थिक व्यवहार है, आपसे बहुत बड़ा लाभ है, इसलिए वो अब ये रोड को निकालवाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। लेकिन ये मोहल्ले वाले और हमारे नगर सेवक का जो कहना है कि जब तक इनको कोई विकल्प में दूसरी जगह नहीं देते, हम ये रोड को नहीं जाने देंगे। और अभी जो ऑब्जेक्शन लेने की बात है, वो ऑब्जेक्शन लेने का काम चालू है जी। और जो भाई केंद्र का भी कायदा है कि 12 साल से अगर कोई कहीं पे रहता है जी, तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल या केंद्र गवर्नमेंट, चाहे वो सरकार की जगह क्यों ना हो, वहाँ से उनको हटा नहीं सकते। पहले उनको दूसरी जगह व्यवस्था करो उनकी रहने की, उसके बाद आप उनको वहाँ से हटाओ। और हम लोग तो यहाँ पे 40 साल से ज़्यादा हुए रहते हुए, आप यहाँ पे अगर लोग इंटरव्यू लेंगे तो कुछ लोगों की तीसरी पीढ़ी है। अच्छा, हाँ, मैं एक नाम बताऊँगा जी। अभी ये हमारे सामने है, अभी ये दूसरी पीढ़ी हो गई, समझे? अब ये हमारे बाजू में है, ये भी दूसरी, अब तीसरी पीढ़ी चालू हो जाएगी, चौथी नस्ल यहाँ पे। और उनको ही, उनका ही पूरा घर तोड़ के ले जा रहे हैं, कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे सरकार से, जो कि यहाँ पे सैकड़ों जो घर है वो डीपी प्लान के उसमें आने वाले हैं, तो क्या उनको मुआवजा मिलना चाहिए या फिर शहर के विकास के नाम पे उनके घर को, तो उनको बेघर करना? अरे, हम तो आपको बार बार बोल रहे हैं कि हम इसके लिए 40 साल से लड़े हैं, तो हमारा तो ये, हमारी तो ये मांग थी कि आप पहले इनको दूसरी जगह बसाइए। और यहाँ पर नगर पालिका की जगह थी अगल बगल में, चाहती तो बसा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं जी। तो हम तो आज भी यही चाह रहे हैं, हमारी नगर सेवक से भी यही बात की हुई है,
एमएसएन सिद्दीकी साहब से बात हुई है, तो बोले हैं कि भाई बगैर जगह मिले इनको यहाँ से जाने नहीं देंगे, हम आप लोगों के साथ में हैं पूरी तौर से। तो हम तो मोहल्ले के पूरे साथ में हैं, और बगैर उनको दिए हुए निकालना नहीं चाहिए, उनको दूसरी कोई जगह दो आप, फिर लेके जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर फिलहाल हम यहाँ पे जो मिराजुल नबी जो मस्जिद है उनके बाहर खड़े हैं, और ये उनके उनके जिम्मेदारान में से एक है, तो हम उनसे जानना चाहेंगे। ये आप ये बताइए हजरत, ये मस्जिद कितनी पुरानी है? सन 1984 में इसकी बुनियाद पड़ी, आप जोड़ लीजिए। जी जी हाँ, सन 1984 और जब से इसमें नमाज कायम है 39 साल हो गए। हाँ, अब समझ लो 50 साल। जी, तो उसके पहले जो है ना लकड़े की और फल्टी की थी, तो 50 साल का और ज़्यादा समझ लो। तो ये बताया ये जा रहा है कि जो अभी जो डीपी प्लान, नया डीपी प्लान में ये मस्जिद के 70% जो है वो डेमोलिश होने वाला है, टूटने में वो प्लान में आ रहा है, तो क्या आप उसके लिए राजी है या फिर? नहीं, हम राजी नहीं है। तो क्या मस्जिद ना तोड़े, बल्कि इसके बदले में दूसरी साइट मिले, और उस जिनको तोड़े मकान उसको गवर्नमेंट बना के दे। क्योंकि बताया जा रहा है मस्जिद के साथ साथ यहाँ पे जो आपके जो इस इलाके के सैकड़ों जो घर है, हाँ, जो परिवार है, हाँ, वो बेघर हो गए। तो हाँ, ये ठीक है? नहीं, गवर्नमेंट उसको बना के दे, फिर उसके बाद तोड़े और बनाए। जी, हमारा ये अपील है। अगर ये गवर्नमेंट अगर नहीं करती तो उसका गवर्नमेंट क्यों नहीं करेगी? गवर्नमेंट के दरखास्त पे दरखास्त दो, ऐसे जबरदस्ती गवर्नमेंट उजाड़ देगी बस्ती को? हरगिज नहीं होना चाहिए, ये कानून के ख़िलाफ़ है, हिंदुस्तान के कानून के ख़िलाफ़ है कि बस्ती को उजाड़ो। बस्ती को लोग बसाते हैं, उजाड़ते नहीं हैं। जो इंसान इंसानियत के लायक हैं, और जो हैवान हैं, वो बस्तियों को उजाड़ देते हैं। समझ में आई बात? तो आप कॉर्पोरेशन के जो आयुक्त सर है, हाँ, जिन्होंने ये प्लान को प्रपोज किया है, जी हजूर, जी हजूर, तो आप उन तक क्या मैसेज पहुँचाना चाहेंगे? उन तक हम यही मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि अगर आप तोड़ने की प्लान बनाए हैं तो उनको बसाओ कहीं पहले, फिर उसके बाद तोड़ो। और मस्जिद पे आँच नहीं आनी चाहिए, मस्जिद के बदले में आप दूसरी साइड में ज़मीन ले लीजिए, मस्जिद को आबाद रहने दीजिए। मस्जिद खुदा का घर है, तुम्हारे हमारे बाप की जागीर नहीं है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो है कि गैबी पीर जो कब्रिस्तान है, जो वहाँ पे वो कब्रिस्तान में भी आ रहा है, आज बीबी का आ रहा है, उसके आगे जो मंदिर है, ऐसे कई जो धार्मिक स्थल है, तो क्या डेवलपमेंट के नाम पे उन लोगों उसको तोड़ना ये सही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। सुनिए, हम सब 1984 से टैक्स भरते हैं, इस शहर में, इस मुल्क में रहते हैं, तो उसको टैक्स देते हैं। हराम के नहीं खाते, हराम के नहीं इस सरजमीन पर रहते। हमारा पूरा पूरा हक है इसकी लड़ाई लड़ने की। जी बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया अंकल। आज हम चाहते हैं कि अगर वो यहाँ ऐसा कानून करना चाहती है तो मस्जिद और खानकाह और कब्रिस्तान इबादतगाह जितनी है उसको उस साइड में रहने दीजिए, बल्कि दूसरी साइड में लीजिए और उसको उसका मुआवजा दीजिए और अपनी सड़क बनाइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जिन्होंने ये कहा है कि अगर कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट प्लान को इम्प्लीमेंट करती है, लोगों का घर तोड़ती है, तो उसके अवेज में लोगों को उनका घर दिया जाए, लोगों को उनकी प्रॉपर्टी, उनको गाला दिया जाए, इनकी मांग है। अब देखना यह है कि भिवंडी शहर के जो आयोग और जो जनप्रतिनिधि है जिनके अंडर ये चीज़ आती है, जो ये चीज़ को रोक सकते हैं, वो क्या करते हैं? जो रोड है आगे, जो रोड यहाँ से जाने वाला है डीपी प्लान में, इसमें 80 फीट का ये रोड है, और इसमें आपके जितने जो घर है, कई सारे घर टूटने वाले, तो क्या इस बारे में आपको पता है? हाँ पता है, लेकिन हम लोग तैयार नहीं है उसके लिए। अरे हम लोग को 35 साल हो गया रहते हुए, इनको और हो गया है। मेरे को तो इनको तो हमारा पहले फसा था, जब से तो हम लोग रह रहे हैं। ये डेवलपमेंट प्लान के समय आपको उसको सपोर्ट? नहीं, हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, विरोध करेंगे हम लोग। अच्छा, तो है ना भाई, करेंगे हम लोग उसके साइड नहीं, हम लोग कम्प्लेट का विरोध करेंगे, थोड़ी देंगे, हमारा बंदोबस्त करो, उसके बाद तोड़। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें।